गुड मॉर्निंग। तो बड़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली एज ऑलवेज मेरा आई थिंक सारी वीडियोज़ की स्टार्टिंग यही होती है बड़ी देर बाद बना रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी इनकंसिस्टेंट। तो जावा के नए बाइक्स आए यसडी वाले, तो मैं क्योंकि पुराना बंदा नहीं हूँ, आई एम जस्ट 27-28 ईयर्स ओल्ड। तो जितने भी लोगों को यसडी के नाम से इतना शौक है, हाई यसडी से प्यार है, कनेक्शन है, सब कुछ है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता बिकॉज मेरा खुद का कोई पर्सनल कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है। जब तक हम बड़े हुए हम जवान हो तब तक हमारे आसपास कोई यसडी नहीं होता। हमने सिर्फ अंकलों से, अपने फादर से, अपने किसी भी एल्डर फैमिली मेम्बर से सिर्फ सुना यार यसडी एक बाइक है बड़ा स्पेशल, बड़ा स्पेशल यार वो होता था ना जिसके पास यसडी है ना उसकी बड़ी टॉर है। तो हमने सिर्फ यही सुना है, उसके लिए क्या स्पेशल था यसडी में, क्या अच्छा था, आई हैव जीरो आइडिया एंड जीरो नॉलेज। एंड ऑनेस्टली आई फील कि अब जावा जो यंग लोगों के लिए बना है या यंग बाइकर्स के लिए आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात रॉयल एनफील्ड से तोड़ने की कसर की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही मैं जो जज करूँगा उसके हिसाब से करूँगा। तो अब तक जावा का जो पैराग था और जावा 42 था, मैंने दोनों चलाए हुए हैं, डेफिनेटली वीडियो उसकी नहीं बनाई। बट एनफील्ड और इसमें डिफरेंस क्या है कि एनफील्ड एक रेट्रो मोटर है, एक रेट्रो कंपनी है जो अपनी रेट्रो से मॉडर्न बनने की ट्राई कर रही है। सो लेट मी टेल यू द मेन डिफरेंसेज बिटवीन रॉयल एनफील्ड एंड जावा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे मेरे पीछे खड़े रोड सर, आई विल टेल यू द फर्स्ट इंप्रेशन जो उनको देखकर मेरे को फील हुआ। बट बेसिक डिफरेंसेज कि रॉयल एनफील्ड बहुत देसी फील से, एक देसी रॉ थंप से, जो लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, उस रॉ थंप से ओवर द टाइम इट्स गेटिंग मॉडर्न एंड मॉडर्न एंड मॉडर्न डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे। आज से 10-15 साल पहले इन्होंने 2010 में आईसी ट्विन स्पार्क जब निकाला, जब उनका पहला थंडरबर्ड था जो ओल्ड स्कूल थंडरबर्ड था, उसके बाद उन्होंने नया थंडरबर्ड अपग्रेड करा, उसके अंदर उन्होंने थोड़ा लेवल हाई ले गए। मेरे को उससे बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरे पास थंडरबर्ड था, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स इतने खराब थे कि वो अच्छे से चलता नहीं था, तो आई वुड प्रेफर देसी बुलेट। बट देन उसको धीरे धीरे रिपेयर करते उन्होंने थंडरबर्ड का फेसलिफ्ट निकाला, वो भी बेटर था, फिर थंडरबर्ड एक्स निकाला। बट इवेंचुअली जाके कॉन्टीनेंटल्स जब उन्होंने बनाए, 650 जब अपने दोनों ने बनाए, तब जाके वो एक लेवल ऑफ मॉडर्न प्लस रेट्रो के अच्छे कॉम्बिनेशन तक पहुंच पाए, जो रिलायबल भी एक लेवल तक थे, पावरफुल भी थे और रॉ और थंप भी थी। बट जावा की अगर इंसेप्शन पर जाए, और रॉयल एनफील्ड अभी भी जिसने 350 का नया इंजन बनाया, 10 साल बाद जाके अपना इंजन चेंज करते हैं और बहुत डर के करते हैं बिकॉज वो इंजन इतना पॉपुलर हो चुका था, बहुत सारे लोगों को ये घबराहट होती है कि नया इंजन खराब ना हो, बकवास ना हो, पिछला बेटर ना हो। तो उन्होंने बहुत डर के सबसे पहले पंगा लिया मीटियोर में, मीटियोर में नया RE350 का इंजन डाला, उसके बाद जाके उन्होंने क्लासिक में अप डाला मीटियोर में, उसको टेस्ट करके कामयाब करके। तो मीटियोर वाला इंजन नॉर्मल पिछले 5 साल पुराने रॉयल एनफील्ड वाले इंजन से बहुत डिफरेंट है, रिफाइंड है, उतना रॉ नहीं है। मतलब कि अगर आप थंडरबर्ड चलाओगे या बुलेट चलाओगे तो उसके अंदर आपको, आज से 3-4 साल पहले वाले, उसके अंदर आपको पूरी बॉडी में एक थंप फील होता है। बट कि जो न्यू वाले हैं उनकी, उनके अंदर काफ़ी प्लास्टिक पार्ट्स भी हैं, चेसी नहीं है, ड्राइवेबिलिटी दो बेटर है, बट थंप सिर्फ आवाज़ में है, वाइब्रेशन में उतना नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड जहाँ पर रॉ से मॉडर्न जा रहा है, जावा के लिए एक उल्टी प्रॉब्लम है बिकॉज जावा स्टार्ट हुआ, दिस इज द हिमालयन काउंटर पार्ट, तो इनके नाम भी मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट दिस इज द रोडस्टर, ये डुकाटी। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, जावा ने क्या करा, इसने अच्छे अच्छे बाइक्स पकड़ लिए अपने न्यू फील्ड में कि यार हमने कॉपी मारनी तो इनकी मारो, ताकि ये सबसे सक्सेसफुल चीज़ रहे। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी बिकॉज व्हाट दे हैव कम आउट विद इज अमेजिंग। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो जावा को लाइफ किसने दी, महिंद्रा ने। महिंद्रा ने टू व्हीलर में बाइक बनाया था, महिंद्रा मोजो, जो बहुत ही रिफाइंड इंजन था, जो 300cc के आसपास था, वो ट्वीक करके उसको कभी सीसी थोड़ी कम कर देते थे, ज़्यादा कर देते थे। सो महिंद्रा मोजो वॉज नोन फॉर इट्स रिफाइनमेंट एंड मॉडर्न रिलायबिलिटी। सो उसकी शुरुआत उस इंजन से हुई, उसके बाद उन्होंने जब जावा 42 निकाला, ये जावा क्लासिक निकाला, जावा पैराग निकाला, उनका बटन था कि हम इसके अंदर रॉ फील डालें और थंप डालें, ताकि रॉयल एनफील्ड के कंज्यूमर जो रॉयल एनफील्ड से बोर हो चुके हैं या कुछ नया चाहते हैं या उनको एक मॉडर्न चीज़ चाहिए, वो इस पर आ पाएँ। और हमेशा से लोगों को प्रॉब्लम क्या थी कि यार कि जावा इज वे टू रिफाइंड, वे टू कंफर्टेबल, वे टू पेपी एंड लैक्स दैट थंप एंड रॉनेस ऑफ अ माचो फील जो लोगों को चाहिए। मतलब हार्ले इज एट द टॉप विद इट्स पोटैटो साउंड, तभी लोगों को हार्ले रोडस्टर और हार्ले स्ट्रीट 750 नहीं अच्छा लगता बिकॉज वो रिफाइंड है। बट रॉयल एनफील्ड इज, जो उसकी जर्नी मैंने आपको बता दी, बट जावा के ऊपर हमेशा से चैलेंज है कि उन्होंने अपने रिफाइनमेंट के इंजन में रॉनेस कैसे डालनी। और ये रॉनेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि होंडा ने अपने हाइनेस सीवी 350 में जबरदस्ती वो रॉनेस डालने के लिए एक नया नई साइलेंसर टेक्नोलॉजी बनाई कि आगे इंजन होंडा का बट पीछे कैसे उसमें से थंप आए, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स थंप टूडे, और हर बंदों को सबसे ज़्यादा वही देखना। तो आज भी मैं जावा के शोरूम में आया हूँ, 3 बाइक्स इन्होंने निकाले हैं तो जिनका मैं पहला इंप्रेशन से ही बहुत ही सेक्सी लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि 2 लाख के आसपास जो बाइक्स हैं ये लगते नहीं है 2 लाख के, तो दिस इज़ रियली हॉट, रियली सेक्सी, और रियल में देख के तो मैं और बढ़िया फील होते हैं। इससे मेरे को लिटरली जो हार्ले का आई थिंक रोडस्टर ही है जो उनका स्ट्रीट सुपर वाला वेरियंट है, उसकी फील आती है। ये लिटरली अगर आप देखो सबसे पहले आपको उस
तरह की फॉर्म फैक्टर की फील आती है। आप अचानक इसको दूर से देखते हो आपको वैसे का लगता है। इसकी पेंट फिनिश, इसका मैट ब्लैक, सब कुछ इसका बहुत ही टॉप नॉच लग रहा है। नॉट येट टच देम, नॉट येट ड्रिवन देम, बट आई कैन से दैट एक फर्स्ट इंप्रेशन जो किसी भी बंदे की कोई भी गाड़ी या बाइक लेने का पहली चीज होती है कि भाई कोई भी बंदा देख के क्या फील करता है। जैसे कहते हैं ना हम खाना खाते हैं तो खाने पहले आंखें खाती हैं, उसके बाद उसकी उसका अरोमा आता है, उसके बाद हम खाते हैं, बट सबसे पहले हम आंखों से चीज़ खाते हैं। सिमिलरली जब कोई बाइक भी देखते हैं, कोई भी अपनी चीज़ होती है, सबसे पहले उसकी लुक्स और आंखों से ही हमें पता लग जाता है कि भाई चीज़ दिखने में कैसी है, चलाने में कैसी होगी, या समझने में कैसी होगी, या टच करने में कैसी होगी, क्या उसका एक्सपीरियंस होगा। 50% लेवल वहीं से आ जाता है और उस हिसाब से दिस फील्स रियली गुड। मेरे हिसाब से इसको 10/10 मार्क्स है। और मेरे को जावा ने कोई पैसा नहीं दिया हुआ, मैं बस यहाँ पे फ्री था और जावा का शोरूम पास था, तो आई साइड यार नए आया तो मैं खुद एक्साइटेड था, तो आई थॉट की वीडियो भी बना लेनी चाहिए अगर मैं जा रहा हूँ देखूँ। तो नंबर वन ये हार्ले रोडस्टर से मेरे को लग रहा है, मुझे अभी भी गलती लग रही है शायद, जो स्ट्रीट से ऊपर वाला वेरिएंट है मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, बट ये उससे इंस्पायर्ड है एंड ये डायरेक्टली डुकाटी स्क्रैम्बलर से इंस्पायर्ड है। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ अगर तुम यसडी का यहाँ से टैग हटा दो तो ये डुकाटी स्क्रैम्बलर ही लग रहा है। एग्जैक्टली सेम साइज, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन। तो सबसे बड़ी बात कि मैं 2 लाख खर्च के एक इतनी बड़ी बाइक की फील लेने वाला हूँ, यही एक बहुत अच्छा रीज़न होता है कोई भी बाइक खरीदने का। तो ये और ये दोनों बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये डायरेक्टली हिमालयन का सब्स्टिट्यूट लग रहा है और मुझे हिमालयन से किसी लेवल पर बेटर लग रहा है बिकॉज इसकी पेंट फिनिश बिल्कुल अलग है। इट्स नॉट जस्ट ब्लैक, इट हैज़ अ ग्रीन टिंच ऑन इट। हिमालयन के भी अलग अलग कलर्स हैं, बट कहीं ना कहीं जब हिमालयन लॉन्च हुआ था और मैंने बड़ी सारी वीडियो देखी जिसमें हिमालयन का फ्रंट एक्सल टूट गया या टायर ही निकल के बाहर आ गया या उसके फुटरेस्ट टूट गए, तो मैं तब से पता नहीं मेरे को लगने लग गया कि रॉयल एनफील्ड अपनी क्वालिटी साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गया है। मीटियोर में भी, मतलब मैंने मीटियोर लेना था उसके बजाय मैंने फिर से थंडरबर्ड ले लिया, एक सेकंड हैंड जो पहले था मेरे पास, मैं अब तक 2 बार थंडरबर्ड बेच के दोबारा ले चुका हूँ, तभी भी मेरे घर पर थंडरबर्ड 350 खड़ा है बिकॉज वो वाली फील मेरे को नए वाले मीटियोर से नहीं आई, क्योंकि मीटियोर उतना ओवर ज़्यादा मॉडर्न लगा या उसकी प्लास्टिक बॉडी लगी या आई डोंट नो व्हाट, बट उसके अंदर वो माचो फील मुझे नहीं फील आई। तो इसलिए आई फील कि हिमालयन से बेटर ये हो सकता है, होना चाहिए भी। मैंने हिमालयन ड्राइव करा हुआ है, उसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो टॉट भी है, ऊंचा भी है, ऑफ रोडर भी है, रैश लाने को भी अच्छा है, सीसी भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, बट इसकी पावर उससे ज़्यादा है। तो अदरवाइज़ ये इंजन बहुत अच्छे हैं। मैंने पिराग काफ़ी भगाया था, पिराग के ऊपर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, बट मैं ऑलरेडी लेट हूँ, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट पिराग हियर। बट इनके इंजन में एक पेपिनेस और एक पिकअप जो है वो एनफील्ड में दूर दूर तक नहीं है। अब जौन सा मर्जी एनफील्ड ले लो, एनफील्ड अच्छी के बाद कांपने लग जाता है। मीटियोर नहीं कांप रहा था, नो डाउट। अब ये थंप इसकी भी है, तो देयर इज अ गुड साउंड, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक इन्होंने, आपने मेरे साइलेंसर में कुछ कराया? एग्जॉस्ट है। हाँ जी, एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट है? हाँ, नहीं इधर ही लो है, अच्छी है, रेड रूस्टर है। अच्छा, रेड रूस्टर के अलग लगे हुए हैं। सो आप ये खर्चा करके कर सकते हो, अगर बुलेट में लगा सकते हैं इसमें भी लगा सकते हैं। बट इसकी मेरे को थंप बहुत अच्छी लगी, फ्रॉम अब बंदा की खड़ा है और अचानक बाइक आया तो एक फील आती है कि बाइक आ रहा है, वो बहुत मैटर करता है। सो दीज आर माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑन दीज थ्री जावाज एंड वॉट आई थिंक अबाउट जावा एज अ ब्रांड, वॉट आई थिंक अबाउट जावा एज अ कंपनी। अभी भी दे हैव अ लॉट ऑफ फुटप्रिंट टू कवर, रॉयल एनफील्ड की सेल और इनकी सेल में कोई कंपेरिजन नहीं है, बट आई फील दे आर रियली प्रॉमिसिंग। अब एक एक करके मैं चलाऊंगा, फर्स्ट इज गोइंग टू बी रोडस्टर, देन जो भी वो देंगे टेस्ट ड्राइव, तो एक एक करके तीनों की ड्राइव लूंगा एंड देन आई विल हैव डिफरेंट वीडियोस। एक पहले वाला जो बाइक चलाऊंगा उसकी मैं इसके साथ ही कंबाइन कर दूंगा, बाकी दो की आई विल मेक डिफरेंट वीडियोस एंड देन टेल यू कि हाउ डू आई फील आफ्टर ड्राइविंग देम। एंड लेट मी टेल यू, मैं बहुत तगड़ा बाइक राइडर हूँ। मैं रोहतांग तक गया हूँ लुधियाना से, मैं गुजरात तक गया हूँ, मैंने 25 घंटे की एंड्योरेंस राइड भी मारी हुई है कि बिना रुके बाइक पे, बट दैट हैज ऑल बीन मोस्टली ऑन थंडरबर्ड, ऑन R15 और एक SZR जो मेरे पास स्कूल टाइम में था जिसकी मैंने बहुत ली थी, उसमें स्टंटिंग भी करता था, बड़ा कुछ करता था, उसकी बज गई थी बेचारे की। बट मैं सबसे ज़्यादा फ़ैन हमेशा आज तक R15 का रहा हूँ और एनफील्ड में थंडरबर्ड का रहा हूँ बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल कंपैटिबिलिटी, बट फिर भी उसमें इश्यूज थे वो अलग बात है, और R15 में कोई भी इशूज़ नहीं थे, आई रियली लव इट, बट R15 के कारण मेरे को सर्वाइकल हो गया था। बट एनीवेज, सो आई फील दैट आई विल बी एबल टू टेल कि एक्चुअली क्या डिफरेंसेस हैं एंड वेयर दीज बाइक्स आर बेटर एंड हाउ कैन एक्चुअली दे मेक अ मार्क। चलो, सी यू।